सुना आपने, ये है मध्य प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता नूरी खान, जो डॉक्टर्स को ये कह रही हैं कि तमीज़ से बात करो, जल्द ही पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। बता दें कि ये वीडियो मध्य प्रदेश की है, जहाँ कांग्रेस नेताओं का डॉक्टर के साथ बुरे बर्ताव का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल ही में भोपाल जिला अस्पताल से कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा द्वारा की गई अभद्रता का वीडियो सामने आया था, और अब ये उज्जैन के माधवनगर अस्पताल से सामने आया है, जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान अपने रौद्र रूप में है और दिखा रही है कि आखिर एक नेता क्या होता है। दरअसल कांग्रेस नेत्री अस्पताल में फर्श पर लेटे मरीजों की व्यवस्था देखने वहां पहुंची थी, लेकिन इस दौरान अस्पताल के ही डॉक्टर से किसी बात पर उनकी बहस शुरू हो गई। डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखिए। नूरी खान कथित रूप से बिना इजाजत कोविड वार्ड में घुस गई और फिर जो हुआ वो आपने देख ही लिया। महामारी के इस समय में एक तरफ कोरोना तबाही मचा रहा है, उसने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, और इस तबाही के बीच कोरोना योद्धाओं की हिम्मत बढ़ाने की बजाय उनका हौसला बढ़ाने की जगह कांग्रेस नेता उनके साथ बदसलूकी करते हुए नजर आते हैं। नूरी खान के गुस्से की वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल उज्जैन के 130 कोविड मरीजों की क्षमता वाले माधवनगर अस्पताल में इस वक्त 150 से भी ज़्यादा मरीज हैं। दूसरे अस्पतालों में जगह के अभाव के चलते मरीजों को यहाँ रखा जा रहा है। हालात बेहद ही नाजुक हैं। ऐसे में नूरी खान माधवनगर अस्पताल में व्यवस्था देखने पहुंची। उनके साथ मोबाइल कैमरा ऑन किए हुए करीब 10 और लोग वार्ड में घुस गए। वार्ड में भीड़ देखकर डॉक्टर भोजराज शर्मा व अन्य स्वास्थ्यकर्मी वहाँ इकट्ठा हुए। मरीजों को फर्श पर देख नेता डॉक्टरों से कहने लगी, ये व्यवस्था है आपके अस्पताल की, इस तरह 2 गज दूरी का पालन हो रहा है। जिस पर डॉक्टर ने कहा, आप कौन हैं, कृपया कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए। ऐसे मुश्किल वक्त में जब ज़रूरी है कि नियमों को ध्यान में रखकर अपना और अपनों का ख्याल रखा जाए, कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया जाए, और ऐसे में कांग्रेस नेताओं के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसने इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।